इंडस्ट्री में हमेशा से ही सितारों की लव लाइफ को लेकर चर्चा होती ही रही है। जी हाँ, देखा जाए तो ऐसे कई कपल्स हैं जिनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, वही कई ऐसे भी हैं जिनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई। उन्हीं में से एक गिने जाते हैं रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा। जी हाँ, बॉलीवुड में देखा जाए तो पुराने दौर में रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की लव स्टोरी बेहद ही सुर्खियों में रही थी। इन दोनों को लेकर कई बड़ी खबरें सामने आती रही थी। वहीं अगर बात की जाए दूसरी ओर शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा के बारे में, तो पूनम सिन्हा ने अपने इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। जब उनको रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के रिश्ते के बारे में पता चला था तो उनका रिएक्शन कैसा था और उन्होंने क्या स्टेप लिया था। दरअसल आपको बता दें कि 9 जुलाई 1980 को शत्रुघ्न सिन्हा ने शादी की थी एक्ट्रेस पूनम से। वहीं ये वो दौर था जब शत्रुघ्न का नाम रीना रॉय के साथ जोड़ा जा रहा था। इंटरव्यू के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद अपने रिश्ते को कबूला था। उन्होंने बताया कि ये रिश्ता 7 सालों तक चला। वहीं उन्होंने कई बड़ी बातों का खुलासा भी किया। बता दें आपको, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि रीना के साथ मेरा रिश्ता पर्सनल रहा है। लोग कहते हैं कि शादी के बाद मेरी फीलिंग्स रीना के लिए बदल गई, लेकिन मेरी माने तो ये और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 7 साल मुझे दिए। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी पूनम सिन्हा ने इस बात का खुलासा किया कि वे अपने पति और रीना के अफेयर के बारे में सब जानती हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब मुझे दोनों के अफेयर का पता चला तो मैं इनके रास्ते से हट गई थी, लेकिन शत्रु ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे जिन पर वे विश्वास नहीं करते। मैं ये बात जानती थी कि शादी के बाद भी उनका अफेयर चला। वहीं आपको ये भी बता दें कि जहां एक ओर पूनम अखबारों में रीना और शत्रुघ्न के अफेयर की खबरों को पढ़कर दुखी हो जाया करती थी, तो वहीं शत्रुघ्न को उन्होंने काफी समझाया भी था। दरअसल आपको बता दें, शत्रुघ्न के सामने मुश्किल ये थी कि वो प्यार को चुने या फिर शादी को, और दोनों के घर वालों ने मिलकर शत्रुघ्न को समझाया। तब जाकर रीना को छोड़कर शत्रुघ्न ने पूनम को चुना और रीना को इग्नोर कर दिया। जी हाँ, और रीना को जिस तरीके से वो इग्नोर करने लगे, तो वहीं रीना भी शादी करके लाइफ में आगे बढ़ गई। वेल दोस्तों, इस तरीके से इन दोनों की लव स्टोरी का दी एंड हुआ। वहीं आपको बता दें, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।